नमस्कार। इफिड्रा में स्टेम की संरचना के बाद प्राइमरी स्टेम की जो संरचना होती है उसके बाद इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से होती है और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद स्टेम की संरचना किस तरह से होती है वो देखेंगे हम इस वीडियो में। तो इफिड्रा का जो स्टेम है इसके अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीयक वृद्धि होती है वो द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री आवृत्ति बीजी के द्विबीजपत्री स्टेम के समान ही होती है। इसके अंदर जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच जो वैस्कुलर कैम्बियम पाया जाता है सेकेंडरी ग्रोथ इस वैस्कुलर कैम्बियम के सक्रिय हो जाने के कारण होती है। ये संवहन पील के बीच में कैम्बियम जो है वो एक पतली पट्टी के रूप में पाया जाता है, इसको हम कहते हैं इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ प्रारंभ होती है उसके पूर्व दो संवहन बंडल के बीच में उपस्थित इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, इसकी इंटरफैसिकुलर कैम्बियम के सामने जो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम है इसके सामने की जो मेरिस्टमेटिक जो कोशिकाएं हैं जो पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं हैं वो मेरिस्टमेटिक हो जाती हैं और इंटरफैसिकुलर जिसको हम कहते हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम मतलब जो कोशिकाएं मेरिस्टमेटिक हो गई हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स वो कहलाती है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। अब इस प्रकार से इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम इन दोनों के मिलने से मतलब जो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम है उसकी सक्रियता से अब इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम दोनों ही मिल जाएंगी और एक कैम्बियम रिंग का निर्माण होगा। अब कैम्बियम रिंग में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक होती है फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स और दूसरी होती है रे इनिशियल्स। फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स कोशिकाएं जो होती हैं इनके सक्रियता से विभाजन के फलस्वरूप बाहर की ओर सेकेंडरी जाइलम अधिक मात्रा में निर्मित होता है और रे इनिशियल के विभाजन से जो मेडुलरी रेस सेकेंडरी मेडुलरी रेस का निर्माण होता है और सेकेंडरी जाइलम में बैसल्स ट्रैकीट्स और जाइलम पैरेन्काइमा उपस्थित होते हैं। मौसम के बदलाव के कारण सेकेंडरी जाइलम की कोशिकाओं की संरचना और आकृति में परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप जाइलम में एनुअल रिंग्स बनती है मतलब दो तरह की रिंग्स का निर्माण होता है स्प्रिंगवुड और ऑटमवुड दो सीजन में। इस तरह से सेकेंडरी जाइलम की जो कैम्बियम रिंग बनती है उसकी एक्टिविटी से बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है और अंदर की तरफ मतलब पिथ रीजन की तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। और इफिड्रा के तने में जो स्थाई कैम्बियम रिंग पाई जाती है उसकी सक्रियता से ऑटम और स्प्रिंग दोनों में अलग अलग साइज के जाइलम एलिमेंट का निर्माण होता है और एकांतर क्रम में ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड की निरंतरता पाई जाती है। स्प्रिंग वुड की कोशिकाएं बड़ी और पतली भित्ति वाली होती हैं और वाहिकाएं और वाहिनिका वैसल्स और ट्रैकेट्स स्पष्ट और चौड़ी होती हैं। इन चौड़ी कोशिकाओं की अधिकता के कारण जो वुड है वो पोरस हो जाती है रिंग पोरस हो जाती है और ऑटम वुड की कोशिकाएं छोटी साइज की होती हैं और मोटी होती हैं मोटी भित्ति वाली होती हैं। तीन में उपस्थित ट्रैकेट्स और वैसल्स जो हैं वो जो स्प्रिंग वुड है उसके कंपैरिजन में कम चौड़ी होती हैं। तो इसके साथ ही जो वैसल्स की जो संख्या है वो लगभग नहीं के बराबर होती है। अब जो रोड़ तना है जो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ स्क्लेरोटिक कोशिकाएं के द्वारा स्पष्ट रूप से पाया जाता है स्क्लेरोटिक कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है और स्पष्ट क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। सेकेंडरी जाइलम की जो मेडुलरी रेज है वो यूनिसीरिएट या मल्टीसीरिएट होती है। सामान्यतः ये चौड़ी कोशिकाएं और अनेक पंक्ति में व्यवस्थित मल्टीसीरिएट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ के प्रारंभ होने के 3-4 वर्ष के बाद ही तो जो बाहरी कॉर्टेक्स है उसकी बाहरी परत निष्क्रिय होकर जो कि बाहरी परत जो है वो निष्क्रिय फ्लोएम मतलब फ्लोएम का वो भाग जो सी ट्यूब्स
जिन फ्लोएम का वह भाग जिसके अंदर सीओट्यूब्स पाई जाती है, सीओट्यूब्स जो काम करना बंद कर देती है, तो वो भाग जो है कोशिकाओं से उन भाग की कोशिकाओं से कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन का निर्माण होता है। और ये जो कैम्बियम की जो कोशिकाएं हैं ये मेरिस्टमेटिक होकर बाहर की तरफ, ये कॉर्क कैम्बियम की कोशिकाएं बाहर की तरफ मोटी भित्ति वाली सुपेरिन युक्त कॉर्क सेल और सेकेंडरी कॉर्टेक्स फैलोडर्म का निर्माण करती हैं। सेंटर में पित्त लगभग विलुप्त हो जाता है और अल्पविकसित रहता है। इसके स्थान जो इसका जो सारा पित्त का जो सारा स्थान है वो लगभग सेकेंडरी जाइलम के द्वारा ले लिया जाता है। तो इस तरह से ये जो एक सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो स्टेम की संरचना है वो इस तरह से हो जाती है। तो यहाँ पर जो संरचना हमको सेकेंडरी ग्रोथ के बाद दिखाई देती है स्टेम के अंदर, कि बाहर की तरफ एपिडर्मिस की कोशिका रहेगी, ये जो है बाहर की तरफ, और एक स्तरीय बाह्य त्वचा दिखाई देती है, और बीच में यहाँ पर जो रिज और ग्रू वाला जो पोर्शन होता है, तो ग्रू वाले पोर्शन में तो हमको स्ट्रोमेटा दिखाई देते हैं, और रिज वाला जो पोर्शन है ये रिज वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ये स्क्लेरेन्काइमा दिखाई देगा। स्क्लेरेन्काइमा के साथ ही यहाँ पर हमको ये पैलिसेड टिश्यू, एक स्तरीय क्लोरेन्काइमा हरी ऊतक से बनी हुई ये कॉर्टेक्स होती है, जो 3-4 साल के बाद फ्लोएम के ठीक बाहर की तरफ कॉर्क के बन जाने के कारण ये बाह्य त्वचा और कॉर्टेक्स ये अलग अलग हो जाते हैं। कॉर्टेक्स के नीचे स्टोन सेल, ये स्टोन सेल की एक लेयर पाई जाती है, यहाँ पर ये स्टोन सेल्स दिखाई देती हैं और एक परत पाई जाती है। ये जो दृढ़ कोशिकाएँ हैं स्टोन सेल्स जो हैं, इनकी परत के नीचे प्राइमरी फ्लोएम स्थित होता है, और जो कि संदलित होकर अंत में विलोपित हो जाता है। इसके नीचे सेकेंडरी फ्लोएम का एक पैच, ये सेकेंडरी फ्लोएम ये दिखाई देता है, सेकेंडरी फ्लोएम दिखाई देता है, और सेकेंडरी फ्लोएम में जो सीव ट्यूब्स हैं और मृदु तक का, सीव ट्यूब्स और मृदु तक का बना हुआ होता है। वुड में एनुअल रिंग दिखाई देती है, ये इस तरह से यहाँ पर हमको ये कहीं पर जाइलम की ट्रैकेट्स बड़ी दिखाई देंगी, फिर छोटी दिखाई देंगी, इस तरह से अल्टरनेट ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड हमको दिखाई देगी, अल्टरनेशन दिखाई देगा, और जाइलम में ट्रैकेट्स और जाइलम जो है वो ट्रैकेट्स और वैसल्स का बना हुआ होता है। और जो स्प्रिंग वुड है उसके अंदर जाइलम की ट्रैकेट्स बड़ी बड़ी और पतली भित्ति वाली दिखाई देंगी, और जो ऑटम वुड है उसके अंदर हमको छोटी और मोटी भित्ति वाली दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये सेकेंडरी ग्रोथ के बाद, और ये जो यहाँ पर ये मेडुलरी रेस दिखाई देती है जो कि ये रेनिशियल्स के द्वारा निर्मित होती है, और ये मल्टी सीरिएट एक से अधिक पंक्ति की बनी हुई होती है। और ये बीच में यहाँ पर रिड्यूस्ड अवस्था में ये प्राइमरी जाइलम दिखाई देगा नीचे की तरफ बिल्कुल, और यहाँ पर ये छोटा सा पित्त, या फिर कुछ समय के पश्चात जब यहाँ पर कॉर्क सेल्स का निर्माण हो जाएगा तब ये पित्त लगभग समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये सेकेंडरी ग्रोथ के बाद हमको ये संरचना दिखाई देती है। इसके बाद इसके अंदर जाइलम की जो संरचना, जाइलम और फ्लोएम की संरचना को देखने के लिए हम यहाँ पर इसकी RLS और TLS को देखते हैं। RLS और TLS मतलब रेडियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लिया जाता है। यहाँ पर जो स्टीम के इंटरेस्ट वाले, स्पेशल इंटरेस्ट वाले जो कैरेक्टर हैं, कि एक मोटी क्यूटिकल एपिडर्मिस के ऊपर एक मोटी क्यूटिकल का पाया जाना, सनकन स्ट्रोमेटा का पाया जाना, कॉर्टेक्स में पैलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू का पाया जाना, कॉर्टेक्स में दृढ़ ऊतक के समूह का पाया जाना, और शाखाओं का गिरना, पर्वसंधि तनुपट की उपस्थिति, पर्वसंधि सेकेंडरी जाइलम में वैसल्स की उपस्थिति का पाया जाना। तो ये इसके स्पेशल इंटरेस्ट के कैरेक्टर्स हैं इफिड्रा के। इसके बाद जब हम यहाँ पर जाइलम, सेकेंडरी जाइलम और मेडुलरी रेस जो अब हम इसके RLS काटते हैं, तो RLS में हमको ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये ऊपर वाला जो है वो RLS का स्ट्रक्चर है, ये वाला RLS है,
ये RLS और ये TLS। तो RLS में हमको किस तरह की रेडियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जब इसके स्टेम का काटा जाता है तो सेकेंडरी जाइलम और मेडुलरी रेज दिखाई देती है, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये रहे इनिशियल्स और ये सीव ट्यूब्स, ये सीव प्लेट्स, यहाँ पर फ्लोएम दिखाई दे रहा है, ये एल्बुमिनस सेल्स, ये रे सेल्स। अब यहाँ पर जो सेकेंडरी जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स, सेकेंडरी जाइलम मेन रूप से ट्रैकिड्स का बना हुआ होता है और इनकी जो रेडियल वॉल्स होती हैं इनमें बॉर्डर पिट्स पाए जाते हैं। ये बॉर्डर पिट्स दिखाई दे रहे हैं हमको और इन बॉर्डर पिट्स में गोलाकार या दीर्घवृत्ताकार होती हैं और इनमें जालियां बन जाती हैं। और इफिड्रा में कुछ ऐसी विशिष्ट जो पिट्स पाए जाते हैं इनको इफिड्रॉइड परफोरेशन भी कहा जाता है। ये जो पिट्स हैं ये दो या तीन टाइट रोज में बिखरी हुई या नियमित रूप से व्यवस्थित दिखाई देती हैं। ये यहाँ पर ये सारे ये बॉर्डर पिट्स दो या तीन रो में हमको व्यवस्थित रूप से दिखाई देते हैं और इन पिट्स के नीचे एक विशेष प्रकार की सेलुलोज की पट्टियाँ दिखाई देती हैं जिनको बार्स ऑफ सेनियो कहा जाता है, ये भी पाए जाते हैं। वेसल्स भी इस सेक्शन में हमको दिखाई देती हैं और इनमें जो पिट्स पाई जाती हैं वो दो या तीन पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। पिट्स जो हैं वो एक अपर्चर, सामान्यतः अपर्चर के रूप में, सामान्यतः जो अपर्चर है वो अनुप्रस्थ होते हैं और इनकी एंड वॉल भी छिद्रित होती है। मेडुलरी रेज जो है वो यूनि या मल्टी सीरिएट होती है और ये अनुप्रस्थ रूप से व्यवस्थित होती है। प्लेन मेडुलरी रेज लंबाई में काटी जाती है और इसकी लंबाई और ऊंचाई, मतलब इस तल से जब हम मेडुलरी रेज को काटते हैं तो इसकी लंबाई और ऊंचाई देखी जा सकती है। मेडुलरी रेज की ऊंचाई लगभग 40 से 50 कोशिकाओं तक की होती है और मेडुलरी रेज में जो रे सेल्स हैं वो अनियमित रूप से बिखरी हुई रेड ट्रैकेट से मिलकर बनी होती हैं। ये रेड ट्रैकेट्स इससे मिलकर बनी होती हैं। फिर जो रे सेल्स हैं वो मोटी भित्ति वाली और पतली भित्ति वाली दोनों ही प्रकार की होती है और दोनों प्रकार की कोशिकाएं एक ही मेडुलरी रेज में पाई जाती हैं और इनकी टेंजेंशियल वॉल में बॉर्डर पिट्स या स्लिट के समान छिद्र पाए जाते हैं। जो रे सेल्स होती हैं वो मोटी भित्ति वाली वैसल, उसमें मोटी भित्ति वाली होती हैं और उनमें रेडियल और टेंजेंशियल भित्तियों में बॉर्डर पिट्स पाए जाते हैं। फ्लोएम के क्षेत्र में, ये यहाँ वाला ये फ्लोएम का क्षेत्र है, फ्लोएम के क्षेत्र में मेडुलरी रेज, स्टार्च सेल्स और इन दोनों के साथ एल्बुमिनस कोशिकाएं, एल्बुमिनस सेल्स भी पाई जाती हैं। तो ये एल्बुमिनस सेल्स स्टार्च सेल्स से मिलकर ये फ्लोएम यहाँ पर बना होता है। इसके बाद जो इसका टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लिया जाता है तो टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन के अंदर ट्रैकिड्स, वेसल्स और मेडुलरी रेज को अनुप्रस्थ तल में काटती हैं। इस पर स्थित जो बॉर्डर पिट्स हैं वो उनका सरफेस व्यू दिखाई देता है हमको बॉर्डर पिट्स का और ये यहाँ पर ये जो बॉर्डर पिट्स पाए जा रहे हैं ये बॉर्डर पिट्स जो जिनका हमको सरफेस व्यू दिखाई देता है इस तरह के सेक्शन में। बॉर्डर पिट्स जो है वो ओवरआर्चिंग डोम संरचना और टोरस नामक संरचना दिखाई देती है। मेडुलरी रेज चूँकि जो अनुप्रस्थ कटती हैं तो इनकी ऊंचाई और चौड़ाई का पता चलता है, ट्रांसवर्स कटती हैं जिसके कारण से इनकी ऊंचाई और चौड़ाई का पता चल जाता है। सामान्यतः ये यूनिसीरिएट या मल्टी सीरिएट दोनों प्रकार के मेडुलरी रेज पाई जाती हैं और मेडुलरी रेज की कोशिकाओं में टेंजेंशियल भित्ति पर एक स्लिट लाइक गर्थ पाई जाती है, पिट पाई जाती है। ये यहाँ पर ये पिट सेल्स, ये स्लिट लाइक गर्थ हमको दिखाई देती है। ये रे इनिशियल्स जिनके द्वारा मेडुलरी रेज का निर्माण होता है, ये ट्रैकिड्स जो कि बॉर्डर पिट को बता रही है और इसके द्वारा ये मेडुलरी रेज में हमको ऊंचाई का पता चलता है। ये बॉर्डर पिट्स जो दो पंक्ति में अरेंज होते हैं
तो इस प्रकार से आरएलएस और टीएलएस से हमको इसकी वुड की संरचना का, जाइलम की, जाइलम और फ्लोएम की स्ट्रक्चर का पता चलता है। धन्यवाद।